हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे MPSI यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की कंपटीशन एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर की। आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है, तो आज हम सेट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे MP पुलिस के सेट्स में मैं आपको ओल्ड पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, वैसे ही मैं MPSI के सेट्स में मैं आपको MPSI के ओल्ड पेपर के हल बताऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि आप MPSI निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और यदि आपको कुछ और भी हमसे कहना है तो आप कमेंट सेशन में बेझिझक अपनी बात का उल्लेख कर सकते हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज का प्रथम प्रश्न देखिए। प्रथम प्रश्न से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर कैडर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पुलिस होम डिपार्टमेंट 2017 के नवंबर 1 का 2017 का पेपर है। ये आपको पता हो तो SI की जो लास्ट वैकेंसी है वो 2017 नवंबर में ही उसकी एग्जाम हुई थी, उसके बाद SI की कोई एग्जाम नहीं हुई है। उसके बाद आपको पता है कि अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम SI की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि SI में मध्य प्रदेश SI में 70 नंबर की हिंदी आती है, अर्थात यदि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप आसानी से SI को क्रैक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न दे रखा है, सबसे अलग रहना, इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करें। तो सबसे अलग रहना का मतलब यह है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जी हाँ, इसी ये जो है ये मुहावरा है, इसका अर्थ यही है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात सबसे अलग रहना। इसके अलावा जो मुहावरे दे रखे हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कोई बेवकूफी वाला कार्य करना, उंगली पर नचाना मतलब किसी को अपने अनुसार कार्य करवाना, आग बबूला होना अर्थात क्रोधित होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो, सटीक मुहावरे का इसमें हमको प्रयोग करना है। तो जब मुझे जरूरत पड़े तो उसने क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया का अर्थ क्या होता है, मुझे जब उसको जरूरत पड़ी तो उसको मना कर दिया। अंगूठा दिखा देने का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। तो आपको मुहावरे का प्रयोग बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, इस वाक्य में कौन सा रस है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ये पंक्तियां पढ़ने से आपको आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है इस वाक्य में वही रस है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो ये जो है इसमें इसको इन लाइनों को पढ़ने से किसी को भी हंसी आ सकती है, यानी कि इसके अंतर्गत हास्य रस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। जी हाँ, रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, इति और इति का क्या अर्थ होगा। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ई यहाँ इति और इति ये जो है उच्चारण में समान है लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, ये समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द है। अब इनके अर्थ मैं आपको बता दूं, इति का मतलब होता है समाप्ति, और बड़ी ई वाली मात्रा इति का मतलब होता है आपदा। जी हाँ, तो यहाँ फर्स्ट जो है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इति और इति का अर्थ होता है समाप्ति और आपदा। ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत से इस बार SI में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। अब ध्यान रखिए, ये मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, वाक्य के तीन प्रकार है। आपको अगर आपने वाक्य के तीन प्रकार नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपको वाक्यों को प्रकार के आधार पर बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो जरूर तैयार करूंगा, अगर आपने मुझे कमेंट में कहा है तो, ठीक है। तो यहाँ मिश्र वाक्य दिया हुआ है, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में बदलना है
तो यहाँ सरल वाक्य सामने दे रखा है, चारा खाकर घोड़ा जो है वो चला गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भावभूति क्यों कहे कोई, इसमें कौन सा रस है। तो यहां जो है यहां पंक्तियों, इन पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, एक बार फिर से पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भावभूति क्यों कहे कोई। तो यहां जो है यहां करुण रस है, करुण रस की ये पंक्तियां दी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूर का लडूड सुहाना होता है, यहाँ लडूड नहीं है वही, लड्डू सुहाना होता है या लडूड सुहाना होता है, जैसा भी आप समझे वो ठीक है। दूर का लडूड सुहाना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप ऑलरेडी हमको लिखना है। तो यहाँ ये जो है ये मुहावरा है या लोकोक्ति है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर जो है वो कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो दूर का लड्डू सुहावना नहीं होता है, दूर का ढोल सुहावना होता है। जी हाँ, दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं, ये जो है ये शुद्ध रूप हो जाएगा। और ये कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अह देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो इस उदाहरण में जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार में बहुत सारों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, अधिकतम छात्रों को अलंकारों में बहुत सारी गलतियां करते हुए देखा गया है। तो आपको जो है आपके अलंकार जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, अगर आपको अलंकार बहुत अच्छे से आ गए हैं तो आपको अलंकार के सभी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अलंकार को चैप्टर वाइज व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलंकारों के ऊपर कोई एक वीडियो तैयार करूं, तो आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट में जरूर कहिए, तो मैं आपके लिए अलंकारों से संबंधित विस्तृत वीडियो तैयार करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ अह देखो टूटता है ना तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, ऑडिट ऑफिसर का हिंदी, ऑडिट ऑफिसर का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो ऑडिट ऑफिसर का मतलब होता है लेखा परीक्षा का अधिकारी, ऑफिसर का मतलब तो अधिकारी होता है और ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, ये जो है ये क्या है, ये सरल वाक्य है, इसको मिश्र में हमको बदलना है। तो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, सॉरी, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो ये थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि कर्मधारय में ही विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है, कर्मधारय समास की परिभाषा में ही ये, आप अगर ने कर्मधारय आपने पढ़ा है तो उसकी परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, विशेषण और विशेष्य का इसके अंतर्गत संबंध होता है। इसका उदाहरण जो है नीलकंठ जो है आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, या नील कमल भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, नील गाय में कौन सा समास है। तो अभी अभी मैंने आपको नीलकंठ नील कमल का उदाहरण दिया, तो नील गाय जो है वो भी कर्मधारय का ही उदाहरण है, नीली है जो गाय, यहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध है, विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, विशेषण वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य कौन है जिसके आधार पर विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ कर्मधारय जो है वो समास नील गाय के अंतर्गत है, इसका समास विग्रह होता है नीली है जो गाय। ध्यान रखिए समास विग्रह में कर्मधारय का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो वहां पर है जो का प्रयोग होता है, नीली है जो गाय,
वो जो है वो कर्मधार है, समास है इसके अंतर्गत, इसमें विशेषण विशेष्य का भी संबंध है और इसके समास विग्रह में हमको है जो का प्रयोग हमने किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न नित्य का विलोम है, तो ये आप सभी को पता है नित्य का विलोम होता है अनित्य, तो यहाँ अनित्य यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ मात्राओं का आपको खास करके ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। आप चाहो तो क्वेश्चन से भी मिला सकते हो, क्वेश्चन में भी छोटी की मात्रा दे रखी है, उस आधार पर भी आप इसको सही कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रस के कितने भेद होते हैं, तो देखिए यहाँ रस के भेदों में सभी को कन्फ्यूजन रहती है, नौ भेद भी रस के होते हैं, दस भेद भी रस के होते हैं, तो यहाँ जो है नौ भेदों को यहाँ उत्तर माना गया है। वैसे तो मूलतः रस जो रहते हैं वो नौ प्रकार के ही बताए गए हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में नौ नहीं हो और दस हो तो दस आपका उत्तर होगा, ऑप्शन में दस और नौ दोनों हो तो आपको नौ ही उत्तर लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रस के कितने अंग है, वहां पर प्रकार की बात हुई थी, यहाँ अंग की बात हुई थी, तो अंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रस के चार अंग है। चारों अंगों के नाम मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जी हाँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, रस के यही चार अंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न किसी रिक्त स्थान विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं, तो यहाँ भाव या विचार जो रहेगा वो सुगठित और गुंफित भाव विचार रहेगा, इसी के विस्तार को हम क्या कहेंगे, भाव पल्लवन कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न पर्यावरण डाइजेस्ट कहां से प्रकाशित होती है, तो ये जो है ये पत्रिका है और ये पत्रिकाओं के नाम भी पूछे जा रहे हैं, आपको सभी पत्रिकाओं के नाम अच्छे से याद होना चाहिए। रतलाम से ये पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है। जी आप चाहे तो यहां से भी ये नोट कर सकते हैं, कहीं पर अपने डायरी में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि रतलाम से जो है पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पति का पर्यायवाची है, तो पति का पर्यायवाची होता है वल्लभ। जी हाँ, वल्लभ जो है वो पति का पर्यायवाची है, वल्लभ जो है वो भगवान का नाम है, उन्हीं के आधार पर पति को जो है वो भगवान माना जाता है और वल्लभ जो है वो भी पति का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द है, तो प्रादुर उपसर्ग से आपको सामने दिख रहा है, प्रादुर्भाव जो है वो प्रादुर उपसर्ग से बना हुआ है। यहाँ पर शब्द मूल शब्द जो है वो भाव है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है प्रादुर, और दोनों के संयोग से बना है प्रादुर्भाव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न अंश तथा अंश का क्या अर्थ है, देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने ऊपर भी आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत से पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस अंश का मतलब होता है कंधा, अंश और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है ना, यह आप ध्यान रखिए। यहां देखिए ऑप्शन में सेम टू सेम थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन अंश स सरोते वाले स का अर्थ जो होता है वो कंधा होता है, हिस्सा नहीं होता है, इसलिए थर्ड जो है वो गलत रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न दाम का अर्थ है, तो दाम का अर्थ तो आप सभी को पता है मूल्य, मूल्य माला और रुपया, जी हाँ यही दाम का अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, को आजू राज समाज में बल संभू को धनु कर्षी है, तो इसके अंतर्गत जो है वो हर गीति का छंद है। अब आप हमको आंसर में सॉरी कमेंट में बताइए कि हर गीति का या गीता छंद, हर गीति का ही नाम गीता छंद है, तो हर गीति का छंद कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद है। आप जितने अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं उतने अच्छे से आप हमारे कमेंट सेशन में इसका उत्तर जरूर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न चारु चंद्र की इस निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये तो आपने बिल्कुल आपकी बोर्ड की कक्षा में बहुत अच्छे से रटा होगा, आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जब मजदूरों ने गड्ढा खोद दिया तब वे चले गए, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद दिया तब वे चले गए, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदली। अब तक हमने सरल और मिश्र में ही एक दूसरे को बदला है, यहाँ ये जो दिया गया वाक्य है ये मिश्र वाक्य है, इसको हमको संयुक्त में बदलना है, तो संयुक्त में बदलने के लिए हमको क्या करना है,
यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। ध्यान रखिए संयुक्त वाक्य के अंतर्गत और का प्रयोग होता है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। चलिए आज के सेट के 25 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी मित्र एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या अपनी ग्रामर हिंदी की ग्रामर अच्छी करना चाहते हैं तो उनको हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।